सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने 26 मई को काला दिवस मनाया और हाथों में काले झंडे लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। दरअसल किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देते हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का आह्वान किया था। किसानों का आह्वान पूरे देश में था, तो ऐसे में सिंधु बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई और इन किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यालय के आगे भी किसानों ने नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। बॉर्डर पर दिल्ली के हिस्से में और हरियाणा के हिस्से में भी दोनों तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर रहे थे। सिंधु बॉर्डर पर सुबह 10 बजे से ही किसानों ने यहां पर काले झंडे के साथ मार्च निकालना शुरू कर दिया और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ काफी विरोध भी देखा गया। फिलहाल किसानों ने काला दिवस मनाया और पूरे दिन ही किसानों की घोषणा जारी रही। देखो जिन्ना चिर साडे पर जिहड़े मोदी सरकार ने काले कानून लागू करे ने इन्हां नूं सरकार वापस नहीं लैंदी उन्नी देर असीं इत्थे ही रहांगे, एवें पुतले साड़दे रहांगे, एवें मौजूदा सरकार दा बीजेपी दा विरोध करदे रहांगे। अज असीं मोदी दा पुतला साड़िया क्योंकि मोदी ने साडे ते जिहड़े कानून आ लागू करे ने, मोदी साडे कानूनां नूं वापस नहीं लैंदा। जे अज मोदी साडे कानून वापस लै लैंदा ते असीं अज्जे घर नूं जाण नूं तैयार हां, असीं इहदा विरोध नहीं करांगे। आज जो हमारे इस मोर्चे को लगे हुए 6 महीने हो चुके हैं और इसलिए पूरे भारत में विरोध किया गया है और सरकार की आज 7 साल पूरे कर चुकी है, ये दोनों सबब मान गए हैं। तो ऐसे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और जो तेज प्रोग्राम आएंगे इससे आगे वो भी हम करते रहेंगे जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती, MSP पे कानून नहीं बनाती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और ये अपने रूप बदल सकता है। आगे आगे जो प्रोग्राम होएगा, जो परिस्थितियां होंगी उसके मुताबिक हम फैसले करेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा हमें प्रोग्राम देगा हम उसको इन बुन लागू करने के लिए पाबंद होंगे और ये पूरे भारत में एक लहर बना दी जाएगी।